हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद आखिर अनुराग ठाकुर सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड करने लगे। बीजेपी के समर्थक भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ ना कुछ कहते दिखे। दरअसल अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर में बीजेपी सभी 5 सीटें हार गई है। यहाँ तक कि हमीरपुर के एक सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बागियों ने बीजेपी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल के 68 सीटों में से 21 पर बीजेपी के बागी भी खड़े थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें जो वोट मिले हैं वे बीजेपी के ही खाते में जाते। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, नड्डा और अनुराग ठाकुर को हिमाचल में हार के बाद अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। पिछले चुनाव में अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल को भी हार नसीब हुई। 2017 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से धूमल मुख्य चेहरे थे। अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रेम कुमार धूमल के काम गिनाए थे। वो अपने पिता का नाम लेकर भावुक भी हो गए थे। बहुत सारे लोग कहने लगे थे कि धूमल को टिकट ना मिलने की वजह से ठाकुर भावुक हो गए। धूमल ने चुनाव से पहले ये भी कहा था कि जो लोग पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं वे भी हमारे परिवार के हैं और उनकी अपनी वजहें हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोग अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा को गलत प्रत्याशी चुनने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुराग ठाकुर को लेकर ये भी चर्चा थी कि अगर बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में वापसी होती है और रिवाज बदल जाता है तो अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पार्टी ने ऐलान किया है कि चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को गुजरात की तरह आगे नहीं रखा गया। 2017 के चुनाव में जब तक प्रेम कुमार धूमल हार नहीं गए थे तब तक जयराम ठाकुर की कोई चर्चा ही नहीं थी। हालांकि धूमल की हार के बाद जयराम ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि हिमाचल को लेकर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की नई सरकार भी हिमाचल के विकास में समर्पित रहेगी, नतीजा जो भी हो, पर हम पहले की तरह पूरी एकजुटता के साथ प्रदेश की सेवा में सदैव सेवक की भूमिका में रहेंगे, प्रदेश के हितों के लिए खड़े रहेंगे।